मैं सलोनी, वेलकम टू माय चैनल सलोनी स्वैग। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अपने हेयर को स्ट्रेट कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अभी मेरा हेयर कितना ज्यादा फ्रिजी एंड रफ दिख रहा है, तो अभी मैं इसको आपको स्ट्रेट करके दिखाने वाली हूँ। तो स्ट्रेट करने से पहले मैं अपने हेयर को शैम्पू करूंगी। आप भी जब भी अपना हेयर स्ट्रेट करो तो उससे पहले शैम्पू करना बिल्कुल नहीं भूलो। तो मैं अभी अपना हेयर शैम्पू करके आ रही हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अपना हेयर अच्छे से शैम्पू कर लिया है, इसको प्रॉपरली वॉश कर लिया है मैंने। तो अब मैं इसको अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दूंगी। आफ्टर दैट मैं अपना हेयर स्ट्रेट करूंगी। तो आप भी जब भी अपना हेयर स्ट्रेट करो तो उसको शैम्पू करने के बाद, अच्छी तरह से प्रॉपरली सूखने के बाद ही अपना हेयर स्ट्रेटनर अपने हेयर पे यूज करो, क्योंकि ऐसे गीले बालों पे हेयर स्ट्रेटनर यूज करने से आपका हेयर डैमेज हो सकता है, रफ हो सकता है और बहुत ज्यादा हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं आपको। तो अपना हेयर सूखने के बाद ही अच्छी तरह से इसको हेयर स्ट्रेट करें। तो अभी मैं इसको सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। तो मैं, जैसा कि आप देख सकते हो, अभी मेरा हेयर अच्छी तरह से सूख चुका है। तो अब मैं इसको स्ट्रेट करूंगी। मैं अपने हेयर स्ट्रेट करने के लिए ये हेयर स्ट्रेटनर यूज करती हूँ। आपके पास अपना जो कोई भी हेयर स्ट्रेटनर हो उससे आप अपना हेयर स्ट्रेट कर सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।